हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि और आपका स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस एंड यम्मी मूंग दाल के लड्डू, जिन्हें आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने ली है यहाँ पर 1.5 कटोरी दाल। इसे मैंने रात भर के लिए फूलने के लिए डाल दिया था और सुबह इसे साफ कर लिया है। अब हम इसको पीसेंगे। तो ये देखिए, बारीक पीस लिया है हमने, बहुत ही बारीक पीस पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब इसको हम भूनते हैं। देसी घी ले लिया है हमने यहाँ पर 1 कटोरी, और हम इसमें कढ़ाई रख देंगे और इसे गर्म होने देंगे। उसमें डालेंगे हम घी। तो अभी हमने 1/2 कटोरी घी डाला है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में घी डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। और ये देखिए, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और मैंने इन्हें काट लिया है, अब हम इनको भूनेंगे। तो घी हमारा गरम हो गया है, अब हम ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं और इन्हें एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे, उसके बाद हम दाल को भूनेंगे। तो ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब उसी घी में हम दाल भूनेंगे। तो जो दाल का पेस्ट बना के रखा था, उसे हम इस घी में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जो दाल का पेस्ट है वो ये चिपकता बहुत है, इसलिए जब हम इसे भूनें तो घी को थोड़ा ज़्यादा डालें, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम लो रखेंगे। ये देखिए, भून भी गया है, अच्छा सब ब्राउन हो गया है और एकदम से हाथ में लेने से दर्दनापन इसमें आ गया है। तो बस अब हम इसको गैस को कर देंगे बंद और इसे निकालेंगे एक प्लेट में, जैसे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब चलिए इसमें ऐड करते हैं हम 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर और जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें चीनी। यहाँ मैंने बूरा लिया है, ये 1.5 कटोरी बूरा है, यानी कि 250 ग्राम। जितनी मैंने दाल ली है उतना ही मैंने बूरा लिया है। अब ये है मावा, इसे हम भूनेंगे। ये हमने मलाई से ही निकाला है मावा। तो ये देखिए, मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था तो काफ़ी थिक हो गया था। तो इसे हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, बिल्कुल मेल्ट हो गया है और अच्छे से भून भी गया है, कलर भी चेंज हो गया और अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो हमने जो मिक्सर मिला के रखा था उसे अब हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने पहले ही बंद कर दिया था और ये देखिए, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी हल्का सा गर्म है तो बस ऐसे ही में हम लड्डू बना देंगे इसके। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए गाइस, अब हम बनाते हैं लड्डू। ये देखिए, जितना आकार का आपको लड्डू बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो ये मेरे बनकर के तैयार हो गए हैं लड्डू, और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में और बहुत ही टेस्टी बने हैं लड्डू। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, जल्दी से बना लीजिए लड्डू और अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा कि आपको लड्डू कैसे लगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।